देखिए बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स हैं, देखिए थोड़ी अपनी तारीफ। ओहो लेट्स गो यार, ये इमोट्स ना मुझे भी पसंद है, बहुत यूज करते हैं और आरपी से जो इमोट्स मिलते हैं ना वो भी बहुत अमेजिंग होते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो भी आरपी खरीद सकते हैं ताकि आप भी इन इमोट्स का आनंद ले सकें। अनस वर्सेस गॉड लाइक नाउ काफी क्लोज कॉम्पिटिशन हो सकता है। शेन को यहाँ पे नॉक करा जाता है। जोनाथन इज लुकिंग गुड, द यूनिवर्सल एमवीपी इज लुकिंग टू गेट मोर फिनिशेस। अभी के लिए जोनाथन ने यहाँ पे पानी के अंदर स्पॉट तो कर लिया, जोकर अगर ऊपर आएंगे तो मेरे ख्याल से बचना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। एम्पर उनके पास स्पॉट करने की कोशिश की जा रही है, बट हवा सांस लेने के लिए आना पड़ेगा ऊपर उनको। वेल अभी के लिए नियो नीचे की तरफ गए जरूर से उनको स्पॉट करने के लिए, एंड यहाँ पर टीम आइनस का बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल। जोकर ओजी अभी के लिए एक सेफ एरिया में जाने की कोशिश करेंगे। क्रेजी सोल चाहेंगे कि वहां पर जो रिवाइवल की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए, बट शैडो अब जोकर को चेस करते हुए नजर आएंगे। ऊपर की तरफ आना ही पड़ेगा और वहां पर मुश्किलें बढ़ेंगी। एनिमी रेड ऑलरेडी किया जा चुका है एंड जोकर ओजी को दोनों को शॉट दिए जाएंगे। शैडो अभी भी उनको चेस करते हुए नजर आएंगे। एक मॉल चलिए थोड़ा शॉर्ट जरूर से रह गया वो, बट अभी भी यहाँ पर जो रैट एंड कैट का गेम है वो चल जरूर से रहे। जो करो जी यहाँ पर डाउन किए जाएंगे एंड टीम आयन काफी ज्यादा मुश्किलों में। जी हाँ, क्रेसोल इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, बचना थोड़ा सा मुश्किल है बट दूर है, तो अगर वो चाहते हैं रिट्रीट करना तो रिट्रीट वो कर भी सकते हैं। वही अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट मैच में इंपॉर्टेंट प्रदर्शन की तो ग्लोबली स्पोर्ट्स वाज दैट अ मास्टर स्ट्रोक, व्हाट डू यू थिंक?